अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप साहब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब बहन भाइयों की दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं आप सब भी ठीक ठाक हो। व्लॉग को शुरू करने से पहले आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बढ़ते हैं अपने व्लॉग की जाने। तो प्यारे बहन भाइयों, आज देखें हम दिलदार जी हमारे थे फिश खाने, क्योंकि काफ़ी दिनों से शोकत के पीछे में भी हुई थी। तो फिर आज शोकत ने कहा चलो आज रैम खा ही लेते। तो फिर आज रैम खाने हो गया मुझ पर, और फिर ये मुझे लेके आए हैं फिश पर। और हमारे साथ अलीमा, और अलीमा ने बनाया हुआ मो कि मैंने फिश नहीं खानी लेकिन इसे हम खिलाएंगे, ज़बरदस्ती सर्दी है। और आपको पता है मैंने केवल खाना था और मच्छी जो है ना, आपको पता है सर्दियों में कितनी फायदेमंद है, इसलिए हमने कहा आज की मच्छी खाएंगे। और हरमन अभी देखे अपनी मछलियों में मगर है, और अभी देखा है अपने कपड़े के लिए करेगा। और पापा बिल्कुल भी सर्दी लग रही है, नहीं लग रही है सर्दी? क्यों लगेगी अरुण को, ये हमने इतना पैक किया हुआ है। और अभी ये हमने ऑर्डर दिया हुआ है, ये देखिए चटनियाँ आ गई हैं, ये चटनियाँ आ गई हैं, ये आप देख सकते हैं। और मेरी बेटी का आज प्लान था जी सेवर खाने का। अगर हम करें महीने में दो दफा खाते हैं और जब भी रीमा से पूछा जाए ना, रीमा मुझे ये कहती है मैंने सेवर खाना है, और उन्होंने भी कहना जी सेवर खाना है। और क्यों हमारा दिल नहीं है, हमारा भी दिल कह रही है बच्ची मुझे भी अच्छी लगती है, शोकत को यही बात है शोकत। हाँ जी, मछली का दरअसल शौक इनको मैंने ही डाला हुआ है। ये देखें जी शोकत साहब को आ गया जी गुस्सा, अरुण को डांट पड़ी है थोड़ी सी। ये देखिए इसने पानी गिरा दिया है, और सर्दी है, ये अभी अपना कोट गीला कर देता अगर पापा ने ना देखना था। और जी तो फ्रेंड मैं आपको ये कह रहा था कि बेगम साहबा को बच्ची को तो फिश जो सी अच्छी नहीं लगती, अभी भी कह रही थी पापा ऐसा करें सेवर फूड पे जाते हैं तो सेवर खाएंगे। तो मम्मा ने थोड़ी सी अलीमा साहब जैसे रिक्वेस्ट की बेटा कि हर बार आप बच्चों के हम आते हैं तो ऐसा करें इस बार हमारी मान लें, तो जो सेवर नहीं करो तो इस बार हमारी माने तो प्लीज़ हमारी जो है ना हमारे साथ चले और फिश खाएंगे। तो आप जो कहेंगी, आपने अगर फिश नहीं खाया तो आप कुछ और खिला देंगे। तो बेगम साहबा की अगर बात करें तो बेगम साहबा पहले बेगम साहबा को फिश उसे अच्छी नहीं लगती थी, तो फिर मैंने जो है ना एक दो बार शिकार हली मार एक दो बार इनको शिकार में लेकिन वो शिकार में फिश पकड़ी है, वो अगर किसी बैठ पाई ने हमारी नहीं देखी शिकार होती है तो वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूँगा, तो वो भी हमारे लिए आप लोग देख सकते हैं। तो शिकार को जब इनको लेके गए, इन्होंने अपने हाथों से फिश पकड़ी है, तो फिर वो घर में ले के आए आप, फिर फिश को जो है ना हमने बनाया है, वो बेगम साहबा को खिलाया, तो बेगम साहबा ने खाए खाए मज़े। तो बेगम साहबा तब से फिश की जो उसमें है ना दीवानी हो गई है। जी जब से मुझे कॉल कर दिया है और अपने हाथों से जब मैंने फिश पकड़ के लाई है बाप, उसका टेस्ट इतना था यकीन मैंने बनाई भी मैंने अपने हाथों से, बहुत लजीज और शेजदार मछली थी। उसके बाद बहुत ही अच्छा लगा। इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा तो फिर मच्छी मच्छी तो फिश फिश मैंने एक ही बार ऐसे में एक भाई दो भाई को रहती वो भी बच्चे जो है ना अपनी अच्छी नहीं लगती फिश। हमारी कोशिश होती है देखें जी, ये हरून है और अलीमा साथिया है, इनको अच्छी नहीं लगती, ये हमें भी पता, हरून को अच्छी लगती है अलीमा को अच्छी नहीं लगती। हरून तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिश को खाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता। हलीमा हलीमा जो से लाते थे ना पकड़ के, तो हमने फ्राई भी किया ना, वो हमने खिलाते रहे हाँ जी। वो तो जो सी है ना इसने देखा है जी सांप की तरह, वो मछली है वो जैसे ना आपको पता है बॉम मछली सांप की तरह होती है, बस उस वजह से ये कहती है नहीं जी ये सांप है मैं नहीं खाती। बहरहाल ज़बरदस्ती मैंने तो खिलाई है,
फिश, क्योंकि बच्चों को आपको पता है बच्चों के लिए कितनी मुफीद चीज़ है, तो मैं फिर भी ज़बरदस्ती बच्चों को खिलाता हूँ। हारून तो खा लेता है बिना कहे, हलीमा नहीं खाती, डांट ढूंढ के फिर भी खिलाता हूँ। तो अभी अभी हम वेट कर रहे हैं जी फिश का। ये फिश मैंने खाई है, ये कंडे जो आपको नज़र आ रहे हैं, और ये देखे ये शुगर साहब अभी भी खा रहे हैं। जी जी मुझे भी आया है। हम अक्सर आते हैं जी इधर तो यहाँ भी हम फिश खाते हैं, माशाल्लाह बहुत मन खुशी है, यहाँ फिश बनती है। इधर लगे हो मूछों के पास, दूसरी साइड दूसरी। हलीमा ने तो थोड़ी सी हलीमा ने तो थोड़ी सी फिश खाई है, फिर उसके लिए बर्गर लिया, आप देख सकते हैं बर्गर। ये जी हलीमा को बर्गर मंगवा के दिया है, तो चोकर साहब ने आज आधी कर दी है, मेरे भी इसे की खाई है, और कहते हैं मैंने कुछ खाता ही नहीं। ये देखें अरुण ने भी हलीमा का पीस लिया, अरुण दिखा भूखा हलीमा पी का पीस लेके भाग गया। और ये देखें जी चोकर साहब अभी भी खा रहे हैं, और मैं बेचारी छोटी सी नन्ही सी बच्ची खा चुकी हूँ। हलीमा ने नहीं खाई फिश, खाई है थोड़ी सी खाई है, फिर इसके लिए फिर बर्गर हमने मंगाया, बर्गर खाया है, फिर हाफ बर्गर जो है हारून ने जो है ना इनसे, हाँ हारून ने ये खा लिया है। ये देख सकते हैं आप हारून मजे गए जी। तो वीडियो को ना लंबा करते हुए आप सब बहन भाइयों से अब हम ज़्यादा चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट व्लॉग के लिए, क्यों जी हैं, अल्लाह हाफिज़।